जय श्री कृष्णा, जय हनुमत लाल की, जय रामलला की। हमारे जीवन में हमें अपूर्व शांति और एक अपार धन संपदा की आवश्यकता के साथ साथ हमारे जीवन को स्वस्थ रखना और व्याधा रहित रखना एक हर आदमी का उद्देश्य है। ये एक यूनिवर्सल सब लोगों के नियम हैं, यूनिवर्सल सब लोगों की चॉइस है, आकांक्षाएं हैं जो यो हर आदमी चाहता है। देखिए, हर आदमी प्रयत्न तो अपने जीवन में अच्छा ही करता है, लेकिन फल उसे कितना मिलता है ये भाग्य पर, कर्म पर और संयोग पर डिपेंड करता है। तो आज मैं आपको घरेलू एक छोटा सा ऐसा अनुभव सिद्ध उपाय बता रहा हूँ जो कोई भी कार्य की सिद्धि के लिए, घर में अपार सुख समृद्धि के लिए, सफलता के लिए, चाहे घर में बच्चे बच्चियों की शादी के लिए, किसी भी उद्देश्य से एक बहुत ही सरल हनुमान जी की कृपा का एक अनुष्ठान आपको बता रहा हूँ जो बड़ा ही अद्भुत है। इसमें सिर्फ ध्यान आपको ये रखना है कि ये प्रयोग यद्यपि किसी भी दिन कर सकते हैं आरंभ, लेकिन मंगलवार से आरंभ करेंगे तो आपको अद्भुत कार्य की सिद्धि प्राप्त होगी। क्योंकि मंगलवार के दिन भगवान श्री हनुमान जी अपने राम का जन्मदिन मनाते हैं, इसलिए वो अत्यंत प्रसन्न रहते हैं। अतः मैं बताता हूँ आपको अब क्या करना है। अपने ही घर में, मंदिर में आप जाएंगे अच्छा है, लेकिन मंदिर में बहुत से लोग अपनी कोई आरती बोलेगा, कोई पाठ करेगा, कोई घंटा बजाएगा, कोई क्या करेगा, तो आपका ध्यान भंग हो सकता है। जिसमें आपको सुखानुभूति होती है वहाँ पर ही अनुष्ठान बड़ी आसानी से कर सकते हैं। अनुष्ठान कितना अच्छा है, आपको अपने घर में हनुमान जी की मूर्ति इस प्रकार से रखनी है कि उनका मुख दक्षिण में हो, मूर्ति का या चित्र का, और आपका मुख हो कहाँ पर कि पूरब में, तो भगवान श्री हनुमान जी का दाहिना हाथ आपकी तरफ होगा। ऐसे कल्पना करके उनका बरद हस्त आपकी तरफ रहेगा, उनके सामने, मूर्ति के सामने अथवा जो आपके पास में चित्र है उसके सामने एक घी का दीपक जला दें। एक मोतीचूर का लड्डू या बेसन के, भुने हुए बेसन से बनाया गया घर में लड्डू पान के पत्ते पे या किसी भी पत्ते पर स्थापित करके, दो लौंग, एक तुलसी का पत्ता, ये रख करके, और जो भी आपकी मनोकामना है वो अवश्य हनुमान जी के सामने निवेदन करके कहें कि हनुमान चालीसा तुलसी कृत। हनुमान चालीसा किसने लिखा है? तुलसीदास जी ने। तो ये आपको कवित्व में नहीं बोलता है तो अपने भाव हिंदी में भी बोल सकते हैं। हनुमान चालीसा तुलसी कृत, पठन करूं मति अनुसार, आसन लीजो प्रेम सो आओ श्री पवन कुमार। ऐसा भगवान श्री हनुमान जी का आह्वान आप घर में, मंदिर में, हर जगह कर सकते हैं। यद्यपि मंदिर में हनुमान जी विराजमान है, लेकिन आपका सुनने के लिए आपको निमंत्रण देना पड़ेगा, और ऐसा उनको निमंत्रण करके अपने पास में जहाँ हनुमान जी विराजमान हैं उनके समक्ष एक छोटा सा लाल कोई रेशमी वस्त्र या कोई भी लाल वस्त्र आसन के रूप में बिछा करके ऐसा मन में भाव करें कि हनुमान जी यहाँ उपस्थित हो गए। उसके बाद केवल मात्र 21 दिन तक 21 बार हनुमान चालीसा का आपको पाठ करना है। श्री गुरु चरण सरोज से आरंभ करना है और पवन तनय संकट हरण, ये सब लोग जानते हैं, इस दुआ पर आपको समापन करना है। गणना के लिए आप रख सकते हो लौंग, इलायची, सुपारी या किसी भी चीज़ से आप गिन सकते हो। 21 बार पूरा होने के बाद हनुमान जी की आरती करें और उस लड्डू के पास में एक पानी का लोटा अवश्य रखें। केवल हनुमान जी की आरती करें और साष्टांग प्रणाम करें, हृदय से भगवान को नमन करें। आप देखेंगे जितने भी आपके जो रुके हुए कार्य हैं बनने लगेंगे, आपके जीवन में खुशियों की एक बाहर आती रहेगी। फिर जब आपके कार्य हो जाएं, कुछ समय तक आप अपने कार्यों को करते रहें, फिर अवसर पा करके फिर बार बार करते रहें, तो आपको बड़ा ही सकुन समृद्धि और सफलता की आपको प्राप्ति होगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। क्योंकि हनुमान चालीसा अपने आप में साबर मंत्र है, क्योंकि जो ये पढ़े हनुमान चालीसा हो ये सिद्धि साखी गौरी सा। और हमारे हनुमान जी कैसे हम पर कृपा करते हैं, जय 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 हनुमान गोसाई और कृपा करो गुरुदेव की नाई। जिस प्रकार से गुरुदेव अपने शिष्य को, एक लोहे के शिष्य को पारस बना देते हैं,
एक मूर्ख शिष्य को विद्वान बना देते हैं, उस प्रकार से प्रभु मेरे ऊपर कृपा करो, आप मेरे जीवन आधार हैं। ऐसी जब कृतज्ञता पूर्वक भाव पूर्वक प्रभु की स्तुति करोगे, मैं गारंटी देता हूँ हनुमान जी सबके सुनते हैं, क्योंकि अजर अमर गुण निध सुत हो हनुमान जी आज भी हमारे सामने मौजूद हैं। जिसकी भावना है वहाँ पर उपस्थित होते हैं। इस प्रयोग को करें और जीवन में अनुभव का आनंद पाएं, फिर देखें हनुमान जी कितनी कृपा होती है। जय श्री हनुमान जी, जय श्री रामलला की।